सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo Y35 मोबाइल में नोटिफिकेशन बार पे फोटो कैसे लगाया था। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे मोबाइल में यहाँ पे नोटिफिकेशन पे फोटो लगा हुआ है हमारा। दोस्तों ये फोटो आप अपने मोबाइल में कैसे लगाओगे, दोस्तों यहाँ पे आप किसी का भी फोटो लगा सकते हो, A to Z जिसका मर्जी चाहे उसका फोटो यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार पे फोटो लगाना, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों बिना एप्लीकेशन के आप नोटिफिकेशन बार पे फोटो नहीं लगा पाओगे। दोस्तों बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, बहुत ही कम MB की एप्लीकेशन है और बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिससे आप किसी का भी नोटिफिकेशन बार पे फोटो लगा पाओगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन बार पे फोटो लगाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, दोस्तों आपके मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन रहेगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिख देना है नोटिफिकेशन बार। जैसे नोटिफिकेशन बार लिख के सर्च करोगे बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी, लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिलेगी या तीसरे नंबर पे मिलेगी ये वाला एप्लीकेशन नोटिफिकेशन बार कस्टमाइजेशन, यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हो कि ये फटाफट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने में दोस्तों टाइम नहीं लगता है, यहाँ से आप देख सकते हो बात करते करते यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों डाउनलोड जैसे हो रहे वैसे आप दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा लाइव प्रूफ बताऊंगा, दोस्तों ये कोई गलत वीडियो नहीं, बिल्कुल 100% सही, 100% वर्क करेगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको ऐड आएगा, ऐड को यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे परचेस प्रीमियम पे आपको नहीं क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको तीन सेटिंग मिलेंगी, तीनों सेटिंग को आप यहाँ से परमिशन देना है एक एक करके। यहाँ से इस पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे देखोगे नीचे आके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसको आपको परमिशन दे देना है। अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद एक बार फिर से बैक आओगे आपको ऐड आएगा, ऐड को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद आपके यहाँ पे इस पे दूसरे वाले पे क्लिक करके इसको भी परमिशन आपको देना है। अब आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फिर से ऐड को आप यहां से कट कर देना है। तीसरे वाले को भी आपको यहां से परमिशन देना है, यहां पे अलाउ करके अलाउ कर देना है। अब दोस्तों यहां से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहां से आपको ध्यान से देखना है। आपके यहां पे स्टेटस बार पे फोटो नहीं लगाना है, आपके यहां पे नोटिफिकेशन बार पे फोटो लगाना है। तो नोटिफिकेशन बार के सामने गो टू कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक ऐड मिलेगा, तो ऐड को आपके यहां से स्किप कर देना है। स्किप करने पर कट कर देना है। अब दोस्तों यहां से आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन बार, इसके सामने टिक इनेबल लगा, इस टिक को इनेबल ही रखना है, इसको डिसेबल नहीं करना, नहीं तो आपके नोटिफिकेशन बार पे फोटो नहीं लगेगा। अब आपको यहां पे नीचे देखना है नोटिफिकेशन थीम, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको फोटो लगाना तो यहां से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर दोस्तों आपको अपना फोटो लगाना है या किसी और का फोटो लगाना है तो यहां पे गैलरी का ऑप्शन आएगा, गैलरी पे क्लिक कर देंगे। अब यहां से चूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप गैलरी में आ जाओगे, आपकी जिस भी फोल्डर में आपकी फोटो है वहां से आपको फोटो लेना है। दोस्तों यहां से हम क्लिक करके कोई भी फोटो ले लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम ये वाला फोटो लगाएंगे, तो इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऐड आएगा, ऐड को कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सही का ऑप्शन आएगा, सही पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सही पे क्लिक कर दोगे तो सक्सेसफुली आपके नोटिफिकेशन बार पे ये फोटो लग जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं नोटिफिकेशन बार को नीचे किया, तो यहाँ से देख सकते हो नोटिफिकेशन बार में हमारा फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप Vivo Y35 मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में फोटो लगा सकते हो, किसी का भी फोटो लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।